नमस्कार व्यूअर्स, आज हम देखने आए हैं आरपीएस पाम्स प्रोजेक्ट सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद यानी नहरपार में। अभी हम आ रहे हैं कॉमर्शियल से, जो आरपीएस सवाना का कॉमर्शियल है और जो आरपीएस पाम्स का जो कॉमर्शियल है वो सेम है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोर्स को, यहाँ पर सारे के सारे आरपीएस पाम्स में फ्लोर्स ही हैं। लगभग 450 फ्लोर्स हैं यहाँ पर 20 एकड़ के स्पेस में, तो दैट मीन्स अराउंड 22-23 फ्लोर्स पर एकड़, जो कि काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अभी सबसे बड़े साइज़ के फ्लोर्स देख रहे हैं। तो इस साइड जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, और बिल्कुल अगर हम आगे चलते हैं तो वो जो पूरी लाइन है, ये सारे बड़े साइज़ के फ्लोर्स हैं। 400 गज के फ्लोर्स हैं ये, 4 BHK प्लस यूटिलिटी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिसेंट साइज़ का पार्क यहाँ पर है। अभी हम थोड़ा और आगे आए हैं और अभी आप वही 400 गज के प्लॉट्स की, गज के फ्लोर्स की आप लाइन देख सकते हैं। तो मैं आपको साइजेस की बात बता रहा था, तो यहाँ पर जो सबसे बड़े साइज़ है वो 400 गज का है, 4 BHK प्लस यूटिलिटी है। फिर एक 370 लगभग गज का है, 373 गज टू बी प्रिसाइज, वो भी 4 BHK प्लस यूटिलिटी है। फिर 340 गज में, 340 गज में आपका 4 BHK है, और फिर 3 BHK प्लस यूटिलिटी है 270 गज में। तो ये अलग अलग चार साइजेस हैं यहाँ पर, 3 BHK प्लस यूटिलिटी से स्टार्ट होते हुए 4 BHK प्लस यूटिलिटी। साइज़ जैसे मैंने आपको बताया प्लॉट साइज़ का, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है हर फ्लोर ओनर के पास। और जैसे मैंने आपको बताया कि आरपीएस सवाना जो पास में ही, जो जिसकी एंट्री जो है वो सेम है आरपीएस पाम से, जो मेन एंट्री है, तो उसका कॉमर्शियल और इसका कॉमर्शियल कॉमन है। इसलिए जो भी फैसिलिटीज़, जो भी आपको डेली नीड्स की चीज़ें चाहिए, वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपने अभी देखा पीछे यहाँ पर अमूल डेयरी का भी एक बूथ है। तो बेसिक जो भी आपकी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है, वो ओवरऑल इस टाउनशिप में आरपीएस सवाना और आरपीएस पाम्स में सब कुछ कंप्लीट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं पार्किंग का डिसेंट स्पेस है और रोड्स काफ़ी ओपन है, तो कोई भी रोड यहाँ पर छोटी रोड नहीं देख पाएंगे आप। ये जो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे छोटी रोड में से एक होगी। तो उस हिसाब से काफ़ी वेल प्लान्ड है। और अगर हम यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये आप राइट साइड में अगेन 400 गज के फ्लोर्स देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कितना स्पेस है इनके पास पार्किंग का। और इसी तरह से बाकी भी ओनर्स के लिए पार्किंग के स्पेस का मेजर कोई इशू नहीं है जो हमें दिखता है। रोड्स काफ़ी बड़ी हैं, ग्रीन एरिया भी है, और कॉमर्शियल भी पास में ही अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे फ्लोर्स को तो उनकी क्वालिटी थोड़ी डिटेरिएट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कई केसेस में देखेंगे कि तीनों फ्लोर ओनर्स ने मिलके काम भी करवाया है अपने ब्लॉक में, तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूर एक इशू है। बट अगर आप देखें ओवरऑल साइज़ इस प्रोजेक्ट का, तो लगभग, और अगर हम उसको प्रपोर्शन में देखें, तो लगभग हर ओनर के पास, जो 400 गज का भी जो ओनर है उसके पास 133 गज का ओनरशिप है एक तरह से देखी जाए तो। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है। और बाकी हमने फैसिलिटीज़ की बात करी ही है, यहाँ जो रेट हैं वो 1.5 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।